हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिली गार्लिक पनीर की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक ग्राइंडर जार। इसमें हम डालेंगे 10 लहसुन की कलियां, 5 काश्मीरी रेड चिली, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच विनेगर, दो चम्मच पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। इसे हमें फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, दरदरा रखेंगे। पैन में 3 छोटे चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अभी हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। इसको चटकने देंगे। बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। इसको हम लाइट ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, अभी हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज कैप्सिकम को मैंने पीसेस में कट कर लिया है। हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें प्रिपेयर पेस्ट ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, देखिए मसालों से तेल छोड़ने लगा है। अभी हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। 200 ग्राम पनीर को मैंने क्यूब साइज में कट कर लिया है। पनीर को मसालों में अच्छी तरह से मिला देंगे, जब तक कि मसाले पनीर में कोट ना हो जाए। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकानी है, 2 से 3 मिनट ही इसको फ्राई करना है। अभी हमारा चिली गार्लिक पनीर बनके तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। धनिया के पत्ते से हम इसको गार्निश कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।